गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप और बेस्ट पॉपुलर 5G स्मार्टफोन्स के बारे में, जिन्हें आप इस टाइम पर अंडर 13 के प्राइस में बाय कर सकते हो। अगर हाईलाइटर फीचर्स की बात करूं तो यहां पर आपको 120 Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल ओआईएस कैमरा, मोस्ट पावरफुल 5G CPU एंड 6000 mAh बिग बैटरी मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपको इस टाइम पर अंडर 13 के प्राइस में टॉप परफॉर्मेंस सेंटर का स्मार्टफोन बाय करना है या फिर बाय करने का फ्यूचर प्लान कर रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को एंड तक देखिए। बट गाइस सर, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिवाइस की, जो इस लिस्ट का लास्ट फोन है, नंबर 4th पोजीशन पर आता है, और ये दोस्तों सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। अगर आपको ब्रांड चाहिए, वन UI को एक्सपीरियंस करना है, जो एक फ्री ब्लोटवेयर UI है और ये एंड्रॉइड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट UI मानी जाती है, या फिर आपको एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, देन इस फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 6100 प्लस ऑफर किया गया है, जो एक लेटेस्ट CPU है, 6nm आर्किटेक्चर पर बैठ है, मतलब पावर एफिशिएंट है, 410,000 प्लस अंतुस को आता है। मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, बट एकदम हाई लेवल की गेमिंग एक्सपेक्ट मत करना। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि 1 UI 6.1 पर बैठ है, LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, एक सिम एक SD कार्ड या फिर 2 सिम एक्सपेंड कर सकते हो, और SD कार्ड आप इसके अंदर 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 4 साल तक OS अपडेट्स मिलेंगे, जो इस सेगमेंट में मतलब बजट के अंदर कोई भी ब्रांड्स ऑफर नहीं करता। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर 6.5 इंचेस फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, विद ड्रॉप नॉच, 90 हर्ट्ज फास्ट रेपरेट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 800 पीक ब्राइटनेस मिलती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है विद ग्लॉसिपनेस और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे वर्टिकल फॉर्म में, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 5 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके मेन और फ्रंट दोनों ही कैमरास के अंदर फुल HD 30 FPS ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। प्राइस के हिसाब से कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलती है। इसमें 6000 mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सडनली अडेप्टर बॉक्स पर नहीं मिलेगा। बाकी इसमें डॉल्बी एटमोस ट्यून्ड सिंगल स्पीकर और 3.5mm जैक दिया गया है। तो ये स्टार्टिंग वेरियंट 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 12999, सिर्फ 13,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G64 5G। ये मोटो का एक लेटेस्ट फोन है, कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है, और ये एक यूनिक फीचर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जो बेसिकली क्लीन UI है, कोई भी एड्स या फिर फालतू के ब्लोटवर्स देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब क्लीन UI एक्सपीरियंस मिलेगा। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर वर्ल्ड फर्स्ट MediaTek Dimensity 7025 ऑफर किया गया है, अगेन 6nm CPU है, ये Dimensity 7020 से बेटर है, थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक किया गया है, बट परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी। इसका अंतर स्कोर 5 लाख के अराउंड आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 90 FPS गेम प्ले मिलता है और COD मोबाइल 40 FPS पर रन कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि MyUX 14 यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है, जो एक क्लीन UI है, LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट और सिर्फ 1 साल तक OS अपडेट मिलेगा। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर 6.5 इंचेस फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर कंसोल, 120 हर्ट्ज फास्ट रेपरेट सपोर्ट करता है, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 560 Hz पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें अडेप्टिव रेपरेट दिया गया है, यानी कि 1 Hz से 120 Hz तक सिंक कर सकते हो। रियर साइड में पॉलीकार्बन बैक मिलेगा विद मैटनेस और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसमें OIS का सपोर्ट भी मिलता है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, जो माइक्रो और डेप्थ का भी काम करता है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन कैमरे से 2K 30 FPS, मतलब 1080p 60 FPS और सेल्फी से 1080p 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज मिलता है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वालिटी आपको डिसेंट मिलेगी। इसमें 6000 mAh की बिग बैटरी दी गई है, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड डुअल स्टोर स्पीकर, 8GB वर्चुअल रैम और 3.5mm जैक मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 13999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इसको अंडर 13 के प्राइस में इजीली ग्रैब कर सकते हो।
दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T3X5G। ये भी एक लेटेस्ट फोन है वीवो का और ये T2X5G का सक्सेसर भी है। इसमें मोटो G64 के कॉम्पेयर थोड़े बहुत बेटर स्पेक्स मिलते हैं। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 मिलेगा, जो ओनली 4nm टेक्नोलॉजी बेस्ड सीपीयू है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट, 560,000 प्लस स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 40fps गेम प्ले मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि फन टच ओएस 14 पर बेस्ड है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टैप मिलेगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में 6.72 इंचेस फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1000 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा विद मैटनेस और अगेन प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्सी टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगा पिक्सल का दिया गया है, साथ में 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 8 मेगा पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन कैमरे के अंदर 4K 30fps ऑप्शन मिलता है, जिससे आप वीडियो शूट कर सकते हो और सेल्फी से अगेन फुल HD 30fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे। डिसेंट कैमरा क्वालिटी मिलती है। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी, जो कि 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP64 रेटिंग, 3.5mm जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है विदाउट एनी ऑफर 13,499। बट अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो देन ये फोन आपको अंडर 12 की प्राइस में इजीली मिल जाएगा। तो फाइनली नेक्स्ट और लाइट स्मार्टफोन आता है अगेन सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। ये बेसिकली बेस ब्रांड के साथ 20,000 प्राइस पर लॉन्च हुआ था, बट इस टाइम पर आप इसको विदाउट एनी ऑफर अंडर 13 के प्राइस में बाय कर सकते हो। काफी ज्यादा प्राइस ड्रॉप हो चुकी है इसकी। काफी सिक्योर एंड ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर के साथ आता है और इस प्राइस पॉइंट पर ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑलराउंडर फोन है, नो डाउट। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में सैमसंग के खुद का एक्जिनोस 1280 मिलेगा, जो एक 5nm CPU है, पावर एफिशिएंट है, 500,000 के अराउंड स्कोर आता है। डे टू डे यूजेज में अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, 30fps गेम प्ले मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है, जो कि 1UI 5.1 पर बेस्ड है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टैप मिलेगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट, 4 साल तक OS अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे और यही चीजें इस फोन को सबसे ज्यादा खास बनाती है। दोस्तों अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.5 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच, 120Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1000 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग सुपर दिया गया है, नो डाउट। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा विद ग्लॉसीनेस और ये प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसमें OIS का सपोर्ट मिलता है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का यूजलेस फालतू का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके मेन कैमरे से अगेन 4K 30fps और सेल्फी से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इस फोन का कैमरा टॉप नॉच परफॉर्म करता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सडनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर, नॉक सिक्योरिटी और 3.5mm जैक दिया गया है। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है ओनली 12,999 विदाउट एनी ऑफर, सिर्फ 13,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 13 के। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।